सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय वायुसेना में अधिकतर जहाज़ हमने इम्पोर्ट किए हैं। अधिकतर, या हम ये कह सकते हैं, लगभग लगभग 90% से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो इम्पोर्ट किए जाते हैं। और अब भारत ऐसे देश का तमगा प्राप्त करना चाहता है जो इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो। और भारत इस चीज़ को कैसे प्राप्त कर रहा है, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट पे डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट पर हम बात करेंगे तेजस प्रोग्राम के बारे में, और दूसरे में बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के बारे में जो आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग सकता है और आपका F-35 के प्रति जो नज़रिया है उसको बदल सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं दोनों विषयों पर। दोस्तों, HF-24 मारुत बेशक एक फ्लॉप प्रोजेक्ट था भारत का, लेकिन इसने भारत को बहुत कुछ सिखाया। दरअसल ये वो दौर था जब भारत एक उन्नत सुपरसोनिक फाइटर डेवलप करना सीख रहा था। मारुत में कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं थी, मारुत में सिर्फ एक समस्या थी और वो था उसका अंडर पावर इंजन। लेकिन कहीं ना कहीं HF-24 प्रोजेक्ट का असामयिक बंद होना HAL के लिए एक झटके के समान था, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए ये एक झटके के समान था कि इसको असामयिक बंद कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। वहीं एक बार फिर से जब भारत ने जब ये इच्छा जताई कि क्यों ना अपने देश में ही एक सुपरसोनिक फाइटर को डेवलप किया जाए फिर से, तो इस बार HAL को इस बात का डर था कि एक बार फिर से कहीं उसके साथ वही हाल ना हो जो उसके साथ HF-24 मारुत प्रोग्राम में हुआ था। इसीलिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने जो प्रोग्राम था HAL का, यानी LCA प्रोग्राम था, उसको लीड करने से मना कर दिया। और यहीं पे गठन होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA का। ADA ने इस प्रोग्राम को लीड किया और इस चीज़ को आश्वस्त किया कि कम से कम समय में जो हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो तैयार हो सके। अब क्योंकि यहाँ पे जो तेजस था उसको बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन इस बार काम आसान हुआ क्योंकि भारत पहले से HF-24 मारुत प्रोग्राम में बहुत कुछ सीख चुका था और कुछ डिज़ाइन की बारीकियाँ थी जो भारत ने उससे ज़रूर सीखी थी। उन्हीं का इस्तेमाल करके जो तेजस का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है उसकी उड़ान आयोजित की गई और वहीं से एक उम्मीद जगी कि भारत अब इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये थी, और समस्या खासकर ये थी बड़ी वाली कि इंडियन एयरफोर्स को अब इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना था कि जो तेजस MK-1 बन के तैयार हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों के कारण, कुछ वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ के कारण ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा लेट हुआ, और इसका जो भरोसा था भारतीय वायुसेना पे इसको लेकर के वो भी थोड़ा कम हुआ। लेकिन बाद में इसमें काफ़ी सुधार किए गए और इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी मिल गई और FOC भी मिल गई। लेकिन अभी भी तेजस MK-1 में कुछ कमियाँ थी जो भारतीय वायुसेना चाहती थी कि उनको दूर किया जाए, और उसी को लेकर के आई HAL। अब क्योंकि HAL ने जब इतना सब लंबा सफ़र इसको लेकर के तय किया तो उसका जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी उसके मन में वो आ चुकी थी, और यही कारण था कि जो हमारी HAL है उसने ये पूरी जिम्मेदारी इनको अपग्रेड करने की ADA से ले ली, और उसका रिजल्ट हुआ तेजस MK-1A, जिसको लेकर के कल की रिपोर्ट पे हमने आपको कहा था कि भारत जल्द ही 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब ADA से इस प्रोजेक्ट को ले लिया गया तो कहीं ना कहीं ऐसे रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ADA के मन में एक मोटा मनमुटाव आया, और वो ये था कि कम समय रहते ही ADA से इस प्रोजेक्ट को ले लिया गया। लेकिन फिर से ADA ने एक नई डिज़ाइन पे काम करना शुरू किया जो कि जो तेजस MK-1A प्लेटफॉर्म है उसी पर आधारित होने वाली थी, लेकिन इस बार जो वेरियंट था, जो एयरक्राफ्ट का क्लास था, वो अलग था, और ये डिज़ाइन थी हमारे नए तेजस MK-2 की। शुरुआत में कोशिश ये की गई कि इसको ट्विन इंजन फाइटर बनाया जाए, लेकिन बाद में इसे एक सिंगल इंजन फाइटर के तौर पर डेवलप किया जाना शुरू कर दिया गया, और इसका जो बेसिकली बेस लाइन एयरफ्रेम था वो तेजस MK-1 पे ही आधारित था। लेकिन यहाँ पर ADA इसको लेकर के काफ़ी बड़े परिवर्तन कर रही थी, इसका चाहे विपर स्ट्राइक पैकेज हो या टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की जाने वाली एवियोनिक्स है या दूसरी टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पे दूसरे जो फाइटर जेट्स हैं उनके समकक्ष बनाने का प्रयास किया जाने लगा, जैसे कि मिराज 2000 हो, MiG-29 हो या कोई और एयरक्राफ्ट हो। और मकसद इसका साफ था कि भारत 2030 तक
जो अपने मिराज 2000 है, MiG-29 है, उनको तेजस MK-2 से रिप्लेस करें। यही नहीं, जब इस प्रोजेक्ट पे ADA आगे बढ़ रहा था तो उसी तरह उसी समय काल में सेम टाइमलाइन में भारतीय नौसेना ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि क्यों ना उनके लिए भी एक उन्नत जो इंडिजिनस फाइटर है वो डेवलप किया जाए। तो उस समय आपको याद होगा 2018 के समय में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिले थे जिसमें ये कहा गया था शुरुआत में नेवी के द्वारा कि क्यों ना AMCA का ही एक नेवल वेरिएंट डेवलप किया जाए। लेकिन स्टडी में इस बात का पता चला कि इंडियन नेवी के लिए अगर एक कैरियर बेस्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया AMCA पर आधारित, तो उस पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनसे समझौता किया जाना तय था और वो उसके स्टेल्थ सिग्नेचर को भी प्रभावित करने वाली थी। इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार ने और ADA ने नेवी को ये सलाह दी कि वो AMCA प्रोजेक्ट पर फोकस ना करें बल्कि उनके लिए एक डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न फाइटर डेवलप किया जाएगा और उसको नाम दिया गया ऑर्का, यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या जिसको हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के नाम से जानते हैं। इसमें जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की यूज़ होगी जो हमारे AMCA में यूज़ होगी, लेकिन ये एक डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न फाइटर होने वाला है। तो इस प्रकार से ADA इन सारे प्रोग्राम्स को लीड कर रही है। अब बात करते हैं कि कब तक और कैसे कैसे भारत अपने आप को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो जैसा अभी तक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है, अगर तेजस MK-2 की बात की जाए, 2026, 2027 और 2028 ये 3 साल ऐसे हैं जब 3 अलग अलग इनके जो यहाँ पर प्रोडक्शन मॉडल्स हैं वो उतारे जाएंगे और वो जो जहाज़ होंगे फाइटर जेट वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ आएंगे, यानी इनका कोई प्रोटोटाइप बनाया नहीं जाएगा और ना ही इनमें कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। इनके ट्रेनर की अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी अपने एक HAL के लिफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रही है जो कि लीड इन फाइटर ट्रेनर है, और उसका मकसद यही होगा कि इन जेट्स पे जो पायलट्स को ट्रेनिंग है वो दी जाए ताकि तेजस MK-2 के लिए कोई अलग से ट्रेनर एयरक्राफ्ट ना बनाना पड़े। वहीं AMCA की बात करें तो AMCA में भी काफ़ी अच्छा इस समय प्रोग्रेस चल रहा है और इस साल क्लियर हो जाएगा एयर इंडिया 2021 तक कि कब तक आपको AMCA उड़ान भरते दिखेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2030 तक अभी कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर फलीभूत नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत कितनी संख्या में इनको खरीदेगा। तो जहाँ तक अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी 100 से ज़्यादा तो पहले तेजस MK-2 ही आएंगे और AMCA जो शुरुआत में आएंगे तकरीबन 50 से ज़्यादा की संख्या में आएंगे, और उसके बाद जो इनका Mk-2 वेरिएंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि अभी आपको हमने कल के वीडियो में बताया था चाहे तेजस MK-2 हो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो, AMCA हो, इन सब में अभी जनरल इलेक्ट्रिक के F414INS6 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अब क्योंकि ये वो दौर होगा जब दुनिया इस समय 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही होगी या उसका ट्रायल चल रहा होगा, इसलिए ये एयरक्राफ्ट कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट ना जाएं, तो इनके लिए भारत ज्वाइंट वेंचर में एक उन्नत जेट इंजन डेवलप करने के प्रयास में लगा है। और ऐसा माना जाता है कि AMCA MK-2 और तेजस MK-2 के जो फ्यूचर वेरियंट्स होंगे उनमें इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 2030 के बाद से जो समय आएगा वो पूर्णतया भारत को आत्मनिर्भर करने वाला होगा इस क्षेत्र में। और यही चीज़ बार बार हमारे एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स कहते रहते हैं। तो फिलहाल आपको इस पे लेकर के क्या विचार है आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।